ट्रैक्टर लूटने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। अलीगढ़ में थाना इगलास के गोंडा रोड स्थित कुआ गांव के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए जबकि तीन बदमाश फरार हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों को पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस बदमाशों की क्राइम हिस्ट्री जुटाने में लगी है। SSP अजय साहनी ने बताया कि इन्होंने 30 से ज़्यादा ट्रैक्टर लूट को अंजाम दिया है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इन पर दर्ज हैं। ये इगलास थाना क्षेत्र में पुलिस टीम रात में आज चेकिंग कर रही थी, उस समय एक कार वहाँ से निकल रही थी। उस कार को टीम ने रोकने का प्रयास किया तो फायरिंग करके वहाँ से भागे। इस पर कंट्रोल रूम से थाने द्वारा सूचना दी गई और गोंडा की पुलिस टीम भी लगी हुई थी। और दोनों थानों के बॉर्डर पर जब पुलिस टीम ने इनको घेरा तो इन्होंने कार सवार 5-6 व्यक्ति थे, इन्होंने पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया और उसमें पुलिस टीम ने जो है काउंटर फायर किया, जिसमें दो लोगों को गोली लगी है। एक मोहम्मद आज़ाद है जो डीग राजस्थान का रहने वाला है, दूसरा बल्लन शर्मा है। इन्होंने 30 से अधिक ट्रैक्टर लूट कर रखी है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, जयपुर, गुड़गांव, भरतपुर, फरीदाबाद आदि जनपदों में इन्होंने घटना की है और 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इन पर हैं। कोई इनाम भी है? अभी इनको बाकी जहाँ जहाँ से वांछित हैं सभी जिलों में पता किया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। आज ही की घटना थी। इनके पास फिलहाल एक कार और 2 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई है और बाकी भी हम लोग इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। बेसिकली मेव गैंग है जो जगह जगह घूम के जानवरों की और गाड़ी लूट की घटना करते हैं।